बट मोदी मोदी हा कोंकणी एक टच दिता कित्याक की ते आमचे कनेक्शन जे आसा आमचे जे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आसा ते कंटिन्यू दवरपा खातीर. तिके बाद इसका प्लेस चेंज किया, इसे जो ना स्ट्रेट में रख लिया, कॉर्नर था जो इसका कॉर्नर है वो यहाँ पे रख. डॉन जाना मेरे फुल पैक खे लुटपा गेलेला भशे बैंक बीन. तो बर्ड्स की आवाज आ रही है. तो चलो चलते हैं ऊपर, पहले जो ना कपड़े लेके आते हैं. इनकी फरमाइश पे बनी है आज आलू की सब्जी, वो भी रस्से वाली. इसी के हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तो मैं हूँ अक्षदा और स्वागत है आपका मेरे चैनल वन स्टेप होम में. तो आज हो गया मंडे और जस्ट जो है ना मैंने शावर ले लिया है, जस्ट मतलब थोड़ी देर पहले ही जो है ना मैंने शावर ले लिया था. और मैं जो है ना हेयर ड्रायर लगा रही थी, मतलब बाल जो है ना वो सुखा रही थी, तभी जो है ना बीच में करंट चला गया तो बाल जो है ना कुछ इस तरह से आधे गीले आधे सूखे. लाइट चली गई ना तो गर्मी लग रही है अभी. तो आज हो गया मंडे और कल था संडे, यानी कि छुट्टी का दिन. और संडे को जो छुट्टी का दिन कहलाता है ना उसका जो है ना मैंने प्रॉपर यूज कर लिया, मतलब कल मैंने भी जो है ना छुट्टी ले ली. आप लोगों को तो पता ही है ना कि संडे मतलब मेरा एक्स्ट्रा काम करने का दिन होता है. जो भी एक्स्ट्रा के घर के या फिर बाहर के जो भी काम होते हैं ना मैं ज़्यादातर संडे को ही कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी जो है ना घर पर ही होते हैं, इनका भी फ्री टाइम होता है, कहीं बाहर वगैरह जाना होता है ना तो संडे को ये अवेलेबल रहते हैं. तो इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा के काम होते हैं ना वो मैं ज़्यादातर संडे को ही करती हूँ. वैसे ही तो कल सोचा कि लोग जो है ना संडे को छुट्टी ले लेते हैं और मैं एक्स्ट्रा के काम करती हूँ, तो मैं भी जो है ना एक दिन संडे को छुट्टी ले ही लेती हूँ करके. तो कल जो है ना मैंने छुट्टी ले ली और कुछ भी काम नहीं किया. मतलब जो रेगुलर के काम होते हैं ना हमारे, जैसे घर के काम, झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट, लंच, वो सब तो किया, लेकिन एक्स्ट्रा के काम वगैरह, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, वो कुछ भी नहीं किया. और जो आपने मेरा कल संडे को वीडियो देखा है ना वो मैंने सैटरडे को ये एडिट अपलोड करके रख लिया था शेड्यूल करके. तो कल जो है ना मैंने कुछ भी काम नहीं रखा, प्रॉपर जो है ना काइंड ऑफ छुट्टी ले ली. और आज हो गया मंडे, कल का छुट्टी का फीवर जो है ना अभी तक मेरे सर से नहीं उतरा है. मतलब ऐसे लग रहा है कि कल की तरह आज भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा होता, अच्छा लगता, लेकिन हर रोज़ तो संडे नहीं होता है ना, काम तो करना ही पड़ेगा. कितने दिन छुट्टी लेंगे, बाद में वो काम जो है ना बर्डन होकर हमारे सर पे आ जाता है. तो वो जो है ना काम मुझे आज निपटाने, कल के लिए, कल जो संडे ना उसके लिए जो भी मैंने एक्स्ट्रा के काम वगैरह सोच के रखे थे ना वो तो कम्प्लीट नहीं हुए, वो आज पे आकर रुक गए. आज मुझे वो सब काम कम्प्लीट करने हैं. तो देखते हैं, क्लीनिंग वगैरह का काम मैंने सोचा था थोड़ा बहुत तो वो आज कर लेते हैं. वैसे तो मैंने शावर वगैरह ले लिया है, देखते हैं कितना क्या कुछ होता है. सुबह के अभी जो है 11:30 बज रहे हैं और किचन में मेरा थोड़ा बहुत लंच का जो प्रिपरेशन वगैरह करना होता है वो सब हो चुका है. खाना बनाना है, आज खाने में बनने वाली है राइस, दाल और पापड़. सिंपल सा एकदम नॉर्मल खाना है, लाइट सा, क्योंकि इन दिनों जो है ना बहुत हैवी हो गया था तो इन्होंने कहा कि कुछ लाइट सा बनाओ, कुछ भी ऐसे सब्जी वगैरह खाने का इनका मन नहीं है. तो सिर्फ दाल चावल और उसके साथ पापड़ बनेगा और इनके आने के बाद जो है ना थोड़ा सा सैलड वगैरह कट कर लूँगी और कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल सा खाना होगा. देखते हैं आज के पूरे दिन में क्या क्या होता है, जो भी होगा वो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर होगा. पहले चलते किचन में, जो भी खाना वगैरह बनाना है वो बनाते हैं और बाकी का जो है ना वो बाद में देख लेंगे. लाइट भी आ गई हमारी तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं. दोपहर के ना 1:40 हो गए, 1:45 होने को है और अभी तक ये नहीं आए हैं. और मैंने जो है ना अभी सारा खाना वाना मेरा रेडी करके रखा है यहाँ पे. जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाली थी, राइस और यहाँ पे दाल. आज जो है ना सिंपल वाली दाल बनाई है, ना तड़का ना कुछ, प्याज ना कुछ भी नहीं, सिर्फ कड़ी पत्ता जीरा डाल के जो है ना मैंने दाल बनाई है. लगभग 1 बजे जो है ना मैंने इनको कॉल किया था तो इन्होंने कहा था कि 1:30 तक ये आ जाएंगे करके, लेकिन अभी एक्स्ट्रा के 15 मिनट्स हो गए, अभी तक नहीं आए. देखते हैं कब तक आते हैं. मैंने आज सुबह से भी जो है ना कुछ भी शूट नहीं किया, मतलब कुछ शूट करने का मन ही नहीं कर रहा है, शूट ही नहीं, कुछ भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा है. एक दिन रेस्ट लिया था ना प्रॉपर, तो आज भी ऐसा लग रहा है कि नहीं आज भी कुछ ना करूँ, जो है ना ऐसे ही बैठी रहूँ करके. फिलहाल यहाँ पे दाल चावल रेडी है और मैंने ना ये वाले पापड़ निकाल के रखे, इनके लिए नॉर्मल पापड़ और मेरे लिए ये उपवास के पापड़ साबूदाना वाले, वो निकाल के रखे. अभी आने के बाद जब तक ये फ्रेश वगैरह हो जाएंगे तब तक जो है ना मैं इनको फ्राई करके ले लूँगी.
आ गए शायद, बुलेट की आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ का मेरा डोर भी पीछे, मतलब पिछला डोर भी जो है ओपन ही है, गर्मी लग रही थी ना। और ये देखो आ भी गए यहाँ पे, इन्होंने बोला था मुझे जब मैंने कॉल किया था तो कि 1:30 तक जो है ना आ जाएंगे करके। आज सुबह जाने में भी इनको देर हो गई, सुबह 9:30 बजे निकलने वाले थे लेकिन यहीं पे इनको 10:15 बज चुके। हेलो, सर डॉन था ना, मेरे फुल पैक खाई लुट पा के ले ला बचे बैंक बिना। हाँ, भूख लग रही है। अभी जब तक ये फ्रेश हो जाएंगे ना तब तक मैं अपना पापड़ वगैरह का काम कंप्लीट कर लूँगी। दूध अड़ला, अरे बैग बड़े हैवी मेरे पापा है। फ्रूट्स, हाथ खाली ना, चल रहा मोबाइल दौड़ता दी आड़। यहाँ पे मैंने तेल जो है ना गरम होने के लिए रख दिया है और ये पापड़ वापड़ सब निकाल के रख दिए बाहर। तो अभी जो है ना इसको फ्राई करके ले लेती हूँ, ये ना थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए गए हैं, तब तक इनको फ्राई करके ले लूँगी। और जब हम ये वाले पापड़ फ्राई करते हैं ना, मतलब पहले जो ना मम्मी घर पर बनाती थी, खूब जना खबर आसते आम्मी साणगे करता पावसाक भी खावपा त्या टाइपे। सो ते तेलान घातले नी समजा तेल इतले फटफटफट कर उसळून भायर येता ना, सो ताका लागून हांव ते धापून धापून करता, वावरूच जाता गॅस निवळ करपाक ना जाल्यार। सो पहिली हे फ्राय करून घेता आणि मागीर पापड। तेल थोडेशेच घेतला, मागीर ते दाट जावन बेश्टे वेस्ट जाता नी म्हणून। सो हे नी अशें करून उसळून भायर येता, हांव कितें करता अशें करून धरता आणि धापून धापून ते ट्राय करून घेता, ना जाल्यार सगळे हळशीक जाता तेल, ते मग वचना बेगीन। अच्छे करून उरल्या पहिनी ते बेगी बेगीन फ्राय करून घेता, जो भी बच्चे है ना इन सबको अच्छे से फ्राय करके ले लेती हूँ और बाद में जो ना खाना वगैरह खाते। गुड इवनिंग, दोपहर के बाद से जो है ना डायरेक्टली अब हम मिल रहे शाम को, शाम के ना ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं। और दोपहर को जो आप लोगों के साथ जो भी शेयर किया था ना, उसके बाद से कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था, सिर्फ शूट ही नहीं, काम भी कुछ नहीं किया। लंच वगैरह किया और वो जो लंच के बर्तन वगैरह थे वो सब साफ किए, और उसके बाद कुछ भी नहीं काम किया, सिर्फ जो है ना मैं बैठी रही ऐसे आराम से, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था आज। ना कुछ काम किया, ना वीडियो शूट किया, और ना ही आज तो एडिटिंग वगैरह का काम भी नहीं था, क्योंकि आज कल कुछ शूट नहीं किया था तो वीडियो अपलोडिंग का भी काम नहीं था। और जो है ना मैंने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया, यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं देखा। मैं जो है ना 3:30 बजे जो भी मेरे यूट्यूबर्स है, मतलब जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनके सब वीडियोस देख लेती हूँ, लेकिन आज वो भी नहीं किया, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है आज जो है ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे खाली बैठी रहे। और बाहर का क्लाइमेट जो है ना वो भी ऐसा ही है, पूरा डल डल सा, सुबह से ना धूप है ना बादल है ना बारिश है, कुछ भी नहीं है, ऐसे जो है ना एकदम ऑड क्लाइमेट हो रहा है। और उस क्लाइमेट को देखकर मेरा भी मन नहीं हो रहा है कि कुछ करूं करके। तो सुबह कपड़े डाले थे ऊपर, वो भी निकाल के लेके आने, सूखे तो होंगे नहीं क्योंकि धूप जो है ना निकली नहीं है। सुबह डाले थे कपड़े ऊपर मशीन से निकाल कर, और कुछ ना शूट करते हुए जो ना आज का दिन भी ऐसे ही पूरा निकल गया। और तबीयत जो ना वो भी कुछ ऐसे सही नहीं लग रही है, मतलब एकदम ऐसे सुस्ती सा फील हो रहा है वो अलग, और तबीयत भी जो है ना कुछ सही लग ही नहीं रही है, तो इसीलिए कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी जो है ना मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े लेके आने हैं, ये तो चले गए वॉकिंग के लिए, इनको भी चाय वगैरह नहीं बना के दी, मतलब इन्होंने मना कर दिया कि इनको चाय वगैरह नहीं चाहिए करके, तो ये भी चले गया, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब 1-1.5 घंटे में। तो पहले चलते ऊपर कपड़े वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि बाहर का क्लाइमेट जो है ना मतलब ऐसा डल सा हो रहा है, कपड़े जो भी सूखे होंगे ना वो भी ठंडे पड़ जाएंगे इस क्लाइमेट में, तो इसीलिए चलो चलते ऊपर और कपड़े लेके आते हैं। बाहर का क्लाइमेट जो है ना वो ऐसे ही है सुबह से, मतलब सुबह दोपहर शाम जो है ना एक ही जैसे का क्लाइमेट हो रहा है, ना धूप ना छांव कुछ भी नहीं, ऐसे डल डल सा क्लाइमेट। तो बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, तो चलो चलते हैं ऊपर, पहले जो ना कपड़े लेके आते हैं।
और ये यहाँ पे आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड, उस दिन मैंने साफ किए थे ना, मतलब इनको क्लीन किया था, तो वो सूखे नहीं थे तो यहीं पे रखे थे। तो आज धूप नहीं निकली तो मैं इनको बाहर लेके भी नहीं गए, तो अभी भी जो है ना ये गीले ही है। कल अगर धूप आई ना तो इनको धूप में डालकर सुखा कर जो है ना पैक करके रख देंगे। बहुत बार ना ऐसा हो जाता है कि मुझे ना बहुत से कमेंट आते हैं, एक मिनट पहले जो है ना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मुझे जो है ना बहुत से कमेंट आते हैं कि कोंकणी में अभी तक जो है ना मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि तुम कोंकणी में, प्रॉपर कोंकणी में जो है ना व्लॉगिंग किया करो, मतलब अपने वीडियो जो है ना वो कोंकणी में बनाया करो। और जब मैंने एक दो ही जो है ना मैंने प्रॉपर कोंकणी में वीडियो बनाया, मतलब फुल वीडियो जो है ना वो कोंकणी में बनाया, सिर्फ एक या दो बार कुछ बनाया, तो उस वीडियो के नीचे भी जो है ना मुझे कमेंट आए एक दो जन के कि जो है ना हमें कोंकणी समझ नहीं आती, तो प्लीज़ तुम जो है ना हिंदी में ही कंटिन्यू किया करो करके। तो इसीलिए जो है ना मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जो है ना बोथ लैंग्वेजेस, मतलब हमारे गोवा के लोगों को जो है ना कोंकणी के साथ साथ हिंदी भी समझ आती है, और बाहर के लोग जो होते हैं ना जिन्हें कोंकणी समझ नहीं आती है उनको हिंदी समझ आती है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना कि को हिंदी के साथ साथ जो है ना थोड़ी बहुत कोंकणी में भी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, ताकि हमारे गोवा के जो लोग हैं उनसे भी मतलब ऐसे कनेक्ट हो सकूँ, मतलब अशा असा कि नहीं जी आमची कोंकणी लैंग्वेज असा नहीं, ती अशी लैंग्वेज की आमचे जे कोंकणी जे लोग असा ज्यांका कोंकणी कळटा नहीं त्यांच्याकडे ऑटोमॅटिक कनेक्टेड असे फील जाता, मतलब असे मनातल्यान कनेक्शन असे जाता कोंकणी उलेले की बरेचदा असे भी खूप व्हिडिओज असा जे हांव पळयता कोंकणी उलेले नी बरे दिसता ऐकपाक भी हां आमच्या कोंकणी लँग्वेजीन कोण तरी ब्लॉगिंग करता जा व्हिडिओ करता असे म्हण, सो तसे तुमकाय बीन असे दिसता असले की म्हाका कोंकणी कळटा जा हांव कोंकणी आमची मदर टंग सो हांवें बी कोंकणीन ब्लॉगिंग करचे असे तुमकां बी दिसता असतले, बट कितें आसा थोडे जे आउट ऑफ गोवाचे व्हिवर्स आसा ज्यांका कोंकणी समजना तांकां लागून हिंदीन करचेच पडटा, सो ते कनेक्शन जे आमच्या कोंकणी लँग्वेजीचे एक कनेक्शन आहा जे आमकां हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करता नी ते कनेक्शन कंटिन्यू दवरपा खातीर हांव कितें करता हिंदी म्हागे ब्लॉगिंग चालू आसता बट मोदी मोदी हांव कोंकणी एक टच दिता कित्याक की ते आमचे कनेक्शन जे आसा आमचे जे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आसा ते कंटिन्यू दवरपा खातीर, सो मागीर हांवें सगळे खूब जाण म्हणटा कोंकणीन कर कोंकणीन कर कोंकणीन कर, थोडे म्हणटा हिंदीन कर, सो ते दोगाचे कॉम्बिनेशन करून हांवें आतां हे सोल्युशन काडला हेजेर की कोंकणी आनी हिंदी ब्लॉगिंग प्रॉपर आनी मोदी मदीं एक कोंकणी टच दिवपाचो की ते आमचे कनेक्शन जे आसा पळय न्ही कोंकणी लोकांचे ते हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जे आसा ते कनेक्शन दवरुपा खातीर कंटिन्यू, सो म्हटल्यार खूब जाण अशे कमेंट करताले न्ही की हिंदीन कर कोंकणी कर तेंच्या खातीर अशे व्हिडियो थ्रू रिप्लाय दिता, कमेंट करता थंय रिप्लाय दितात बट ते तो रिप्लाय जो आसा पळय न्ही तो असो तोंडान सांगप वेगळें जाता आनी ते टायप करून बरोवप वेगळें जाता न्ही, सो ताका लागून अशें चिंतलें की तुमकां बी सांगचें व्हिडियो थ्रू, सो ताका लागून आनी आतां सद्याक घरान एकलेंच आसा, मतलब घर पे जेन्ना फिलहाल मैं अकेली हूं हे आ जाएंगे थोडी देर बाद ऑलरेडी छे होने का 5:50 हो गए तो एक आधे घंटे में तो ये आ भी जाएंगे, और बाहर का क्लाइमेट तो आपने देख ही लिया है, कपड़े भी लेकर आने हैं ऊपर, मैं बाहर गई थी ना तो वो मैरीगोल्ड के आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिखे तो उस चक्कर में कपड़े लाना भूल गए, अभी वो ऊपर से भी लेके आने हैं, वो सब काम है अभी, और कल संडे को छुट्टी ली थी तो थोड़ा बहुत काम भी पेंडिंग हो गया, जो एक्स्ट्रा का काम सोच के रखा था ना संडे को कंप्लीट करेंगे करके तो वो भी पेंडिंग हो गया, अभी उसको भी कंप्लीट करना है। संडे को मैंने सोचा था कि यहाँ पे पीछे जो आपको टीवी ये दिख रहा है ना यूनिट वहाँ पे जो है ना आप लोगों को तो मालूम है जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है कि हमारे घर में धूल मिट्टी बहुत आ जाती है क्योंकि रस्ते को लगकर ही हमारा घर है, तो धूल मिट्टी जो है ना उड़कर अंदर आ जाती है, विंडो भी हमारा ओपन रहता है डोर विंडो वो सब, तो वो जो है ना हर दो या तीन दिन में मुझे क्लीन करना होता है, तो वो सब डस्टिंग वगैरह करनी थी क्लीनिंग, या फिर मकड़ियाँ जो है ना स्पाइडर्स वो भी परेशान करती रहती है तो वो सब क्लीन करना था मुझे कल के दिन, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि कल मैंने छुट्टी ली थी, अब जो है ना वापस मुझे वो सब क्लीनिंग करनी है, देखती हूँ कल परसों में हो जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि आज करे सो कल कल करे सो अब, ये वाला फॉर्मूला जो है ना मैं हमेशा यूज करती हूँ और इसी से जो है ना अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, बाद में वो धूल मिट्टी बढ़ जाती है ना तो काम करने में भी परेशान हो जाती है, एक ही साथ वो बर्डन लेके चलना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा क्लीन करके आना तो अच्छा है, रूम में भी क्लीनिंग करनी है ड्रेसिंग टेबल वगैरह,
और थोड़े बहुत जो है ना मुझे चेंजेस भी करने हैं, फर्नीचर ये वो सब जो है ना एक ही जगह देख देख कर बोर हो गए। पहले के मेरे जो व्यूअर्स है ना चतुर्थी के पहले से जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता होगा कि हमारा जो ये सोफा है ना वो एल शेप का है। एक मिनट, एक्चुअली ना ये हमारा जो सोफा है ना ये वाला वो एल शेप का है और ये जो है ना ये इसका कॉर्नर है। तो हमारा टीवी वगैरह यहीं पे था लेकिन ये सोफा जो है ना यहाँ पे जगह खुली थी तो विंडो से लगकर ऐसे और इस तरह से था एल शेप में। तो बहुत टाइम से मेरी शादी के बाद से ही जो है ना वो सोफा ऐसे ही था। तो मैंने चतुर्थी के बाद इसका प्लेस चेंज किया और इसे जो है ना स्ट्रेट में रख लिया। कॉर्नर था जो इसका कॉर्नर है वो यहाँ पे रख लिया, वो वैसे भी ज़्यादा यूज ही नहीं होता है तो इस तरह से रख लिया था। और ये हमारे एक्स्ट्रा के चेयर्स वगैरह। तो अभी जो है ना मुझे फिर से लग रहा है कि नहीं इसे भी चेंज कर लूँ, बहुत टाइम हो गया इसे देख देख कर बोर हो गया। और टीवी देखने में भी जो है ना परेशानी होती है, मतलब हम यहाँ पे इस तरह से फेसिंग करके मतलब क्या होता है ना कि हम जो है ना यहाँ पे इस तरह से फेसिंग करके बैठे हैं ना, टीवी हमारा उस साइड में है, हम ऐसे बैठे टीवी हमें इस तरह से देखना पड़ता है, नहीं तो हमें जो है ना इसे टेढ़ा बैठना पड़ता है। तो इसीलिए जो है ना मुझे ये फिर से चेंज करके इसे एल शेप करना है, अच्छा रहता है। लेकिन एल शेप किया ना तो एक ही प्रॉब्लम है कि हमारा जो एल शेप किया ना इस तरह से तो इसका पीछे का जो मतलब ए वाला जो पार्ट है ना, ए वाला पार्ट वो जो है ना पूरा वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए लेते वक्त ही जो है ना सोच कर लेना चाहिए था। मैंने इनको बोला था एल शेप का सोफा हम नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी करके, लेकिन इनको एल शेप का सोफा ही पसंद था तो इन्होंने जो है ना जिद करके एल शेप का ही सोफा ले लिया। अभी उसमें भी परेशानी हो रही है तो इसे जो है ना अभी एडजस्ट करना पड़ रहा है। देखते हैं, इसे भी चेंज करने की सोच रही हूँ मैं फिर से एल शेप में, लेकिन इनको पसंद है, ये यहाँ पे लेट कर आराम से टीवी देखते हैं ना तो इनको पसंद है ऐसे, तो थोड़ी बहुत चेंजेस जो है ना वो करनी चाहिए कि क्लीनिंग भी हो जाती है, थोड़ा सा हमें भी चेंज मतलब वही वही चीज़ें वही वही जगह पर देखकर हम भी बोर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, क्लीनिंग वगैरह भी हो जाती है और स्पेस जो है ना वो अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाता है। मैं बेडरूम में भी ऐसे ही करती हूँ। अभी जो हमारी बेड है ना वो विंडो साइड से है ना, वो पहले अपोजिट साइड में थी तो मैंने वहाँ पर डाला, कबर्ड वगैरह शिफ्ट करवाया। करने में शिफ्ट बहुत परेशानी होती है क्योंकि सब कुछ हैवी है ना, बेड या फिर कबर्ड वगैरह, बेड में बहुत सा सामान भरा हुआ है, करने में परेशानी होती है लेकिन करने के बाद जो ना अच्छा लगता है, कुछ तो चेंज किया करके थोड़ा सा जो है ना स्पेस भी जो है ना बहुत मिल जाता है। तो देखते हैं अभी एक काम कब तक हो जाता है। पहले तो जो है ना मैं चलती हूँ ऊपर कपड़े वगैरह लेके आती हूँ और जो है ना बाद में मिलती हूँ इनके आने के बाद, तब तक ये भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे बाहर ना हो रही है हमारी पूजा, यहाँ पे आपको ये गोल्डन वाला दिख रहा है ना सब, वो खांब पेटेला है, खांब्याची पूजा चालू असा, सो ती पूजा चालू असा। आणि हंगा ही फ्लावर्स जे असा बाहेर दौरल्या क्योंकि इनको कल जो है ना मुझे धूप भी दिखाने है इसीलिए। और चलते हैं अंदर, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, एक मिनट। इनको देखो यहाँ पे इनकी बीजेपी जो है ना वो जीत गई इसलिए बहुत खुश है, मोदी फॉलोअर्स, चौकीदार, तो इनका ये चालू है। और जो है ना अंदर डिनर का टाइम हो गया है और यहाँ पे मेरी आलू की सब्जी, रस्से वाली आलू की सब्जी जो है ना वो तैयार हो गई, इनकी फरमाइश पे बनी है आज आलू की सब्जी वो भी रस्से वाली। इसी के साथ जो है ना मेरी रोटियाँ भी तैयार है, तो आज का डिनर हमारा यही है। सुबह भी हमने एकदम लाइट सा किया था ना तो इसीलिए अब बनाई है सब्जी रोटी के साथ। तो इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं एक दो तीन मिनट के लिए और हम करेंगे अपना डिनर। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी जो है ना आज अब यही पे एंड कर देते हैं और आपसे जो है ना कल फिर मिलने आते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।